हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमाइंडी टैरो। और ये रीडिंग है 2nd of June से लेके 8th of June तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर लियोस, Ten of Earth, Hanged Man, Seven of Water, Messenger of Water, and King of Air. Okay, तुम्हारे पास है Hanged Man. Hanged Man के साथ इस person के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। आप जिससे भी deal कर रहे हैं, ये person लगातार आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। टेन ऑफ अर्थ के साथ इस पर्सन को आजकल आपकी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। ओके, ये पर्सन आपको देख के सोच रहा है। सो लियोस, आजकल लगता है कि आप अपने लाइफ से काफी आगे बढ़ रहे हैं और आपको चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। एक तो ये पर्सन जिद पड़ा हुआ है, किंग ऑफ एयर के साथ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो किसी बात को लेकर काफी ज्यादा जिद्दी हो गया है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने के लिए तैयार नहीं। आपको कॉन्स्टेंटली पुश कर रहा है कि आप अपने आइडियाज को बदलें या आप उनके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करें। और दूसरी तरफ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनके बिना रह पा रहे हैं, उनसे दूर रह पा रहे हैं। ये बात भी इस पर्सन को बहुत ज्यादा खटक रही है, ये बात इस पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। टेन ऑफ अर्थ के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप शायद उन्हें भूल ही चुके हैं पूरी तरह से। ओके, ये लगता है कि आपके आसपास तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, जो भी आपसे मिलता है आप में दिलचस्पी लेता है, आपके क्लोज आना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहता है। टेन ऑफ अर्थ का एक और मतलब है वो ये कि शायद कहीं से आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं, कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे आप फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर हो जाएं, कोई बेहतर जॉब, कोई इंक्रीमेंट या कुछ और ऐसा हो सकता है। हालांकि टेन ऑफ अर्थ हमेशा ही पैसों के बारे में नहीं होता, किसी गैदरिंग के बारे में भी हो सकता है जिसमें आप जा रहे हैं, जहां आप बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हैं। एंड ये बात इस पर्सन को बड़ी अजीब लग रही है कि आप जहां जाते हैं वहां सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं। ये पर्सन इस बात को लेकर थोड़ा सा जेलस भी है, उन्हें लगता है कि आप उन्हें भूल जाएंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको मूव ऑन करने में अगर वो इसी तरीके से जिद करते रहे। उम्मीद उनकी ये थी कि आप शायद उन तक चले आएंगे, मैसेंजर ऑफ वाटर की उम्मीद थी उन्हें, यानी अगर वो इस तरीके से जिद करेंगे या साइलेंट रहेंगे तो लियोस उनके पास खुद ब खुद ये प्यार का और दोस्ती का ऑफर लेके चले आएंगे, चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या आप उनके ये ना कह सकते हैं उनके लिए पूरी तरह से बेचैन हो जाएंगे और कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे हर हाल में उनसे कांटेक्ट करने की। पर अब ये नहीं होता हुआ देख के लिए ये पर्सन बहुत परेशान हो गया है। ओके, हैंग्ड मैन के साथ जितनी ये माइंड गेम्स खेल रहे थे उन सब में अब ये खुद हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है लियो कि आपने इन्हीं के इस गेम में हरा दिया है। सेवन ऑफ वाटर के साथ यहाँ एक इल्यूजन है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके अकॉर्डिंग है बिल्कुल, या आप उनके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेंगे। चूंकि आप इतने सारे एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे थे, इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप बस वही है जो इन्हें चाहिए और आप बिल्कुल उनकी इमेजिनेशन के हिसाब से हैं। पर यहाँ आपका खुश होना, अपने लिए सोचना और इस तरीके से आगे बढ़ना इस पर्सन के लिए काफी सरप्राइजिंग है। इस पर्सन को यह लगा था कि आप हर चीज इनके अकॉर्डिंग चेंज करते जाएंगे। अभी तक शायद लियो इन्होंने आपकी स्ट्रेंथ नहीं देखी थी, अभी तक इस पर्सन को अंदाजा नहीं था कि लियोज इतने स्ट्रांग भी हो सकते हैं इमोशनली और अपने लिए चूज कर सकते हैं वो सब कुछ जो वो चाहते हैं। उनके पास ऑप्शंस बहुत है, लियोज के पास ऑप्शंस बहुत है, ये बात इस पर्सन को अब तक नहीं पता थी।
उन्हें लग रहा था कि उनका फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन आप वही है एंड आपके लिए इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स तो हैं, पर यहाँ पे ये पर्सन फीलिंग्स जाहिर नहीं करना चाहता क्योंकि अभी भी जिद पे अड़े हुए हैं। इनका ईगो इन्हें इस जिद से हटने ही नहीं देता। ओके, कम से कम इस वीक में तो नहीं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप हाउस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैजिशियन, पेज ऑफ वाटर, फोर ऑफ फायर, टू ऑफ अर्थ, एस ऑफ अर्थ। ओके, तो हमारे पास है द मैजिशियन। मैजिशियन के साथ ये पर्सन अब एक नया तरीका अपनाने वाला है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये समझ चुका है कि लियोस तो उनके पास नहीं आने वाले या इनिशिएटिव नहीं लेने वाले। कम से कम इतनी बात तो इन्हें क्लियर हो ही गई है। और अब ये पर्सन अपनी पर्सनालिटी को बदलने की कोशिश करेगा, या यू कहें कि आपको दिखाने की कोशिश करेगा जैसे कि वो पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। आई थिंक पेज ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन जानता है लियोस कि अगर इन्होंने आपके लिए उतना एफर्ट नहीं किया जितना कि आप कर रहे हैं, या आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं किया, तो उनके लिए ये सब कुछ आसान नहीं होने वाला। उन्हें आपको भूलना भी पड़ सकता है। तो इसीलिए ये पर्सन यहाँ पे अब हर तरीके का टेस्ट देने को तैयार है। आप देखेंगे जून के एंड तक ये पर्सन बहुत बदलाव सा नजर आएगा। ओके, एंड ये चाहते हैं कि ये आपको कुछ प्रूफ करें। हालांकि ये आपके ऊपर होगा कि आप टेस्ट कौन सा लेना चाहते हैं। ओके, आप किस तरीके से ये श्योर करना चाहते हैं कि ये पर्सन भरोसे के लायक है। फोर ऑफ फायर के साथ मैं देख रही हूँ कमिटमेंट। बड़ी अजीब सी बात है लियो कि ये पर्सन इसी वीक में आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है। वो चाहता है कि आपको रोक लें। ओके, क्योंकि उन्हें अब ये समझ में आ गया है कि अगर वो यूं ही वेट करते रहे तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, और इसीलिए ये पर्सन आपको थोड़ी जल्दबाजी में नजर आ सकता है। फोर ऑफ फायर के साथ ये चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी उन्हें कमिटमेंट दे दें, या आप दोनों कमिटमेंट कर लें ताकि वो कहीं आपके लाइफ से बाहर ना हो जाए या कहीं वो आपको लूज ना कर दें। टू ऑफ अर्थ के साथ यहाँ मैं बहुत सारा कन्फ्यूजन देख रही हूँ। ऐसा कन्फ्यूजन जो बहुत मुश्किल से ही क्लियर होगा, पर एस ऑफ अर्थ के साथ फाइनली आपको लगेगा कि ये पर्सन शायद भरोसे के काबिल है और आपके लिए सही है। टू ऑफ अर्थ के साथ जो अब तक आपके मन में चल रहा था, जो भी डाउट्स हैं, उन सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये वक्त है जब ये पर्सन आपके हर सवाल का जवाब देगा। आप देख रहे हैं आप पेज ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पे, तो ये पर्सन फेस करने को तैयार है वो सारे सवाल। एंड आपके लिए एक अच्छा मौका है सब कुछ जानने का और फिगर आउट करने का, क्योंकि इस पॉइंट पे ये पर्सन ये श्योर करना चाहता है कि आप दोनों साथ रहें और वो ऑनेस्टली आपकी बातों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो इस वीक में इस एफर्ट के साथ आपको लगेगा लियोस कि फाइनली कुछ तो बदला, ये पर्सन कुछ तो पहले से बेहतर है, कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको आपके सवालों का क्लियर जवाब मिलेगा जो आप लगातार सोच रहे थे, पर आपको समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं आप क्या कहें या कैसे रिएक्ट करें। उस केस में टू ऑफ अर्थ का कार्ड क्लियरली ये शो कर रहा है कि जो भी कन्फ्यूजन थी एस ऑफ अर्थ के साथ खत्म हो जाएंगी। ओके, एंड आपको वो चीज़ मिलेगी जिसके आप हकदार हैं या जो आप कब से ढूंढ रहे थे। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। डेथ, डेथ के साथ आपके रिलेशनशिप का एक फेज एंड हो रहा है। वो फेज जिसमें कंफ्यूजन था, जिसमें डायलेमा थी, जिसमें क्लैरिटी नहीं थी और जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये बात समझ चुका है लियो कि अगर उन्हें आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप चाहिए तो उन्हें इस रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी होगी,
उन्हें यह समझना होगा कि आप इसके हकदार हैं और आप उन चीज़ों के लिए सेटल नहीं करेंगे जो आपके काबिल नहीं हैं। तो यहाँ पे डेथ के साथ एक फेज़ एंड हो रहा है और दूसरा फेज़ शुरू हो रहा है, ये एक शिफ्ट का यू नो साइन है। तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।